Hey UD fam, welcome back to your channel and welcome back to another vlog. I hope you all are doing fine. तो आज की vlog start करते हैं with my car. तो मेरी गाड़ी में कुछ काम होना है, उसके बाद यहाँ से ऑटोबॉट जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या काम हो रहा है. तो मेरी गाड़ी में CNG लगी हुई है, अगर आपको नहीं पता था बता दूँ. तो पीछे वैसे इसमें ऊपर से कॉइल स्पेसर लगे हुए हैं, जैसे कॉइल पैड भी बोलते हैं, बट फिर भी गाड़ी पीछे से थोड़ी लो है एंड ब्रेकर वगैरह पे, स्पेशली अगर चार लोग बैठे हैं, पीछे कोई बैठा हो तो टच होती है. तो अब मैंने मंगाए हैं कॉइल बफर्स, तो स्पेसर लगे हुए हैं, अब बफर्स भी लगाएंगे. तो ये भी देखेंगे कि इससे गाड़ी उठती है या नहीं. मैंने कुछ मतलब जब मैं YouTube पे देख रहा था तो लोगों ने वीडियो डाली हुई हैं, कई कहते हैं कि उठती है, कई कहते हैं नहीं उठती. तो आज चेक करेंगे कि उठती है या नहीं, इंची टेप से नापते हैं एंड उसके बाद मैं थोड़ा चला के भी आपको रिव्यू दूंगा कि गाड़ी स्टिफ हुई है, कंट्रोल कैसा है एंड ऑल दैट. तो पहले दिखाता हूँ और उसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज़ माई कार एज़ यू ऑल नो. तो आगे से देखो कितना गैप है, ठीक है, और पीछे देखो. अब पता नहीं ऐसे पता लगेगा कि नहीं, बट पीछे कम गैप है और आगे ज़्यादा है. हल्की सी कार ऐसे रहती है बिकॉज ऑफ CNG वेट. कॉइल पैड्स लगे हुए ऑलरेडी एंड ये मैंने मंगाए हैं कॉइल बफर्स, जो कि आपके कॉइल स्प्रिंग के बीच में लगेंगे. ये जिप टाई इसके साथ आई हैं, 8 हैं टोटल, दो दो एक के लिए, सॉरी 4-4 एक के लिए. इंची टेप मैंने रखी हुई है क्योंकि अभी नापेंगे इस साइड से कि गाड़ी उठ रही है या नहीं, या फिर उस साइड से नाप लेते हैं जहाँ से भी किसी एक साइड से, क्योंकि दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है स्पेस में. तो इस साइड से नाप लेते हैं एंड फ़ोन थोड़ा हिलेगा क्योंकि मुझे एक हाथ से काम करना पड़ेगा, ठीक है. तो हम नापेंगे अलॉय से क्योंकि टायर ऊपर नीचे हो सकता है, अलॉय से नापेंगे, अलॉय की टिप से. तो अगर हम यहाँ से नापते हैं, ठीक है, तो ये देख लो, तो लगभग 6.5 इंच आ रहा है, लेकिन भी नीचे मैंने लगाया हुआ है, ऑलमोस्ट 6.5 इंच है, ठीक है. अब कॉइल स्पेसर लगाते हैं, पहले गाड़ी को लगाते हैं लिफ्ट पे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नीचे से. सो गाइस, कार इज़ ऑन द लिफ्ट और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो पहले जो कॉइल पैड्स लगे हुए हैं, ये देखो. तो ये जो हैं, ये पहले का लिफ्ट है, ये 1.5 इंची के हैं. जो कंपनी से आते हैं वो सिर्फ इतने से होते हैं, लाइक मे बी 1/4 इंच, मतलब इसका सिर्फ ऊपर से इतना हिस्सा होता है. वो जो स्प्रिंग है वो सीधा यहाँ टिकता है. तो पहले से ये 1.5 इंच के लगे हुए हैं, तो उससे गाड़ी थोड़ी सी लिफ्ट हुई हुई है, लेकिन CNG का जो टैंक होता है उसका वेट इतना है कि ये जो अब यहाँ से तो लिफ्ट हो गई, बट स्प्रिंग पे प्रेशर बहुत है, स्प्रिंग जो है कोलैप्स रहता है, पूरा नहीं बट काफ़ी हद तक. तो दोनों तरफ यही है. तो जो अब ये कॉइल बफर्स में लाया हूँ, मैं उन्हें या तो यहाँ लगाऊंगा, मतलब नीचे वाले एरिया में लगाऊंगा क्योंकि नीचे ज़्यादा कोलैप्स रहता है. तो इन दोनों के बीच में कहीं पे उन्हें स्लाइड करेंगे, इधर भी और इधर भी. तो उन्हें लगाते हैं और फिर उसके बाद गाड़ी नीचे करके फिर नाप के देखेंगे कि स्पेस में कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं, बट डेफिनेटली राइड में फ़र्क पड़ेगा एंड आई होप कि अब ब्रेकर्स पे टच नहीं होगी. एंड वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर उससे भी उतना काम नहीं बना जितना मैं चाहता हूँ, तो मैं एक पेयर मंगा के, जैसे ये मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, यहाँ एक पेयर में मंगा के और यहाँ पे भी लगा दूँगा. ऑब्वियसली उससे राइड बहुत स्टिफ हो जाएगी पीछे से, बट लेट्स सी, इट्स अ हिट एंड ट्राई. तो लगाते हैं फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ. एवेंचुअली फाइनली दोनों तरफ लग गए हैं कॉइल बफर्स. तो आप सोच रहे होंगे कि एक जैसा डिज़ाइन भी लगाया, वो इसलिए क्योंकि जो स्प्रिंग है ना वो एक डायरेक्शन में है. अब जिसको समझ आ गया मैं नहीं समझाऊंगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा, वरना कुछ बोलेंगे कि ये भी वैसे जा रहा है, वो भी वैसे जा रहा है. एनीवेज गाड़ी नीचे करते हैं और अब नाप के देखते हैं. गाइस गाड़ी लगा दी है सेम स्पॉट पे, ठीक है, इधर से नापा था, इधर से वापस नाप के देखते हैं कि फ़र्क पड़ा है कुछ या नहीं. मुझे वैसे उम्मीद बहुत कम है, अगेन अब कैमरा थोड़ा हिलेगा क्योंकि एक हाथ से इंची टेप यूज़ कर रहा हूँ. चलो अब देखते हैं यार, फ़र्क तो पड़ा है लेकिन बहुत हल्का था, मतलब पहले 6.5 इंच था, राइट, अब 6 हो गया. ये देखो, सो 1/4 इंच का फ़र्क आया है. तो ये ना इंची टेप टिकती नहीं है, ये देखो नीचे लगी हुई है, अब पूरा 6 पे आ रहा है. तो 1/4 इंच का फ़र्क आया है, ठीक है. बाकी
मुझे खुद से थोड़ी सी लिफ्ट हुई हुई लग रही है, अब बाकी चला के पता लगेगा ब्रेकर वगैरह पे टच हो रही है या नहीं। तो चलाते हैं और एक बार ऑटोबॉट्स भी जाते हैं, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। और आपको फिर जो ये व्लॉग है ना, मतलब मैं एक दो दिन गाड़ी चलाऊंगा फिर आपको रिव्यू दूंगा इसका। सो गाइस अभी हो चुकी है रात एंड आई एम एट ऑटोबॉट्स। यहाँ पे आई हुई है इंदिरा थार, ये भी एक सब्सक्राइबर भी हैं उनकी है, बहुत दूर से आए हैं ये हेडलाइट में प्रोजेक्टर लगवाने। भैया एक बार हेलो कर दो। तो ये इनकी थार एंड आई कैन सी सारा काम हो गया। तो इसकी वीडियो मैंने दोबारा से इसलिए नहीं बनाई बिकॉज थार की वीडियो वैसे बन चुकी है, बट आई थॉट कि इसको एक बार व्लॉग में कवर कर लेते हैं। तो ऊपर इसमें रिंग वाले शराउड लगे हैं, नीचे भी प्रोजेक्टर लगे हैं, ऊपर भी लगे हैं। मैं एक बार आपको पार्किंग लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ। बाकी आउटपुट तो इसका भी वैसा ही सेम रहने वाला है। चेक दिस आउट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। एक बार आप ब्राइटनेस लो करते हैं, ये देखो तो सामने से ऐसी लुक आएगी। एंड अगेन आउटपुट इसका भी वैसे ही सेम रहने वाला है जैसे हमने दूसरी थार करी थी, बट इसका श्राउड जो है वो डिफरेंट है। तो इसको कर देते हैं बंद। प्लस गाइस यहाँ पे आई हुई एक फॉर्च्यूनर, ये टाइप 1 है जिसे हमने टाइप 2 में कन्वर्ट किया है, तो इसकी वीडियो आएगी अलग से, इसकी अलग से पूरी वीडियो बनी है। अभी उमेश भी इसमें काम कर रहे हैं, चल रहा है। मैं सोचा एक आपको स्नीक पीक दिखा दूँ इसकी, बट इसकी पूरी वीडियो अलग से आएगी। वैसे गाइस अभी चल रहे हैं सिर्फ फॉग लैम्प्स, ठीक है, और आउटपुट देखो एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो फॉग लैम्प्स की जानबूझ के लो रखी है बिकॉज हेडलाइट की है वो यहाँ तक आएगी, ऊपर तक, यहाँ तक। लुक्स अमेजिंग, ये देखो ब्राइटनेस लो करके कितनी ऑसम लग रही है। तो इसको ना मैं एक बार ब्राइटनेस डाउन करके लॉक करता हूँ ताकि आप ढंग से देख पाओ। ये देखो लग रही है गजब। सो गाइस दिस अपडेट इज आफ्टर 3 डेज। सो मैंने गाड़ी 3 दिन चलाई है एंड जिन ब्रेकर से पहले गाड़ी टच होती थी अब उन पे नहीं हो रही है। एंड ऑनेस्टली बताऊँ गाड़ी में बॉडी रोल भी कम है, इसकी राइड क्वालिटी मुझे पहले से बेटर लग रही है बिकॉज पीछे CNG वेट है ना, पीछे बहुत बाउंस करती थी, अब वो नहीं हो रहा। एंड बॉडी रोल कम है, हैंडलिंग मुझे बेटर लग रही है। तो डेफिनेटली अगर आपकी गाड़ी में पीछे बहुत ज़्यादा लोड है तो डेफिनेटली रिकमेंडेड कि ये लगवा लो, बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है हैंडलिंग भी, राइड क्वालिटी भी। और सबसे बड़ी बात कि अब जिन जगह पे टिकती थी अब वहाँ पे नहीं टिक रही है। Several days later. So guys, इस छोटी ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, बट जाने से पहले मैं आपको एक अपडेट और देना चाहता हूँ। जो ये वीडियो क्लिप आप देख रहे हो ये और 10 दिन बाद की है जब से मैंने कॉइल बफर लगाए अपनी गाड़ी में। तो मेरा रिव्यू उसका ये है कि ये चीज़ डेफिनेटली वर्क तो करती है बट अगर अच्छी क्वालिटी की हो तो, बिकॉज अभी मैं आपको बताता हूँ क्या आ रहा है। लगभग मतलब मुझे चलाते हुए इसको 14 दिन हो गए हैं जब से गाड़ी में लगे हैं। तो शुरू के हफ्ता 10 दिन तो इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, गाड़ी नीचे टच भी नहीं हो रही थी, बॉडी रोल कम था, एवरीथिंग वॉज गुड। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है गाड़ी फिर से ब्रेकर्स पे टच होने लगी है, बॉडी रोल वापस से आ रहा है। तो उसका रीज़न सिर्फ एक हो सकता है कि इनकी जो रबर क्वालिटी है, जो मटीरियल है, ये उतना स्टिफ या उतना हार्ड नहीं है बिकॉज विद टाइम गाड़ी गर्मी में भी चल रही है, बारिश पानी एवरीथिंग, तो ये वापस से सॉफ्ट हो रहे हैं बिकॉज पीछे लोड भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वापस से सॉफ्ट हो रहे हैं। पीछे से गाड़ी फिर से मुझे लग रहा है बैठ रही है। ये मैंने मंगाए थे अमेजोन से अराउंड 1700 रुपीज के थे। तो अगेन हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये, या किया, और अब वापस से वही सेम चीज हो रही है। हो सकता है पीछे से बैठ रहे हो बिकॉज रबर है, जैसे कि हमारे फ्रंट शॉकर माउंट्स होते हैं वो भी रबर के होते हैं, बैठ जाते हैं विद टाइम, ये भी बैठ रहे हैं बट अगेन बहुत जल्दी। तो अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, किसी बेटर कंपनी के कॉयल बफर मंगवाऊंगा। एक मुझे कंपनी पता है रॉजर रैप के आते हैं, वो महंगे हैं बट आई विल डेफिनेटली ट्राई, वो मंगवाऊंगा, उन्हें लगा के चेक करूंगा कि उनके साथ भी सेम यही इशू है या वो बेटर चलते हैं। एंड अगेन अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, पुट इट इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो। एंड इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, पीस आउट।